हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे विनीस फिंगर कुकीज़, जो बहुत ही पॉपुलर है। वैसे तो उसके नाम से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक ऑस्ट्रियन कुकीज़ है, बट इट इज़ नॉट एन ऑस्ट्रियन कुकीज़, ये एक ब्रिटिश कुकीज़ है और जो बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही पॉपुलर है। बटर लेंगे 80 ग्राम्स। मेक श्योर कि आपका बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 80 ग्राम्स आइसिंग शुगर अच्छे से विस्क कर लेना है। अच्छे से बैटर प्लफी हो गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कुकीज़ एंड बिस्किट्स। जब भी बटर और आइसिंग शुगर मिक्स करते हो तो उसको बहुत अच्छे से विस्क करना है। अगर जितना अच्छे से विस्क होगा उतना ही रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। नाउ विल ऐड ऑरेंज एसेंस इन थोड़ा सा ऑरेंज कलर। नाउ विल ऐड मैदा 100 ग्राम्स। उसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है। अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करूंगी। विल मिक्स इट। ये बैटर को पाइपिंग कंसिस्टेंसी में लाना है। इसमें मिल्क का कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता है। जब तक पाइपिंग कंसिस्टेंसी में ना आए बैटर तब तक मिल्क ऐड करना है। ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स मैदा हो तब 4 to 5 टेबलस्पून जितना मिल्क जाता है। एंड नाउ यू कैन सी प्रॉपर पाइपिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। आई हैव टेकन अ स्टार नोजल इनटू पाइपिंग बैग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी विनीस फिंगर कुकीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर स्वर्ल्स होते हैं और उसको बहुत पहले विनीस वॉल्स भी बोला जाता था। दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विनीस फिंगर कुकीज़। तो पाइपिंग बैग में विल टेक द बैटर। अभी मैं उसको राउंड शेप में कर रही हूँ। यू कैन ऑलवेज मेक इट इन अ रेक्टेंगल शेप। मेक श्योर जब भी कोई भी कुकीज़ बेक कर रहे हो तो बेकिंग ट्रे के नीचे लाइनर रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कुकीज़ नीचे स्टिक नहीं हो जाएंगे। सो अभी इसको 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड ओवन में 15 टू 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। वाओ, दिस इज माउथ मेल्टिंग। ये कुकीज़ की खासियत ही यही है, ऊपर से एकदम क्रंची होता है, जब मुंह में डालते हो इट जस्ट गेट्स मेल्टेड। दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कुकीज़ और यूजुअली इसको हाफ चॉकलेट में डिप करके भी खाया जाता है। इसको ट्राई करें।